फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पानीपत का ऑफिशियल ट्रेलर। और इस मूवी में है संजय दत्त, अर्जुन कपूर और कीर्ति सैनन। और काफ़ी दिन बाद हमें संजय दत्त की मूवी देखने को मिल रही है। कोई नई मूवी आ रही है और वो भी इतनी तगड़ी मूवी आ रही है, पानीपत। आई थिंक पानीपत उस पर बनाई गई है, बैटल पे। पानीपत की जो बैटल है उस पर मूवी बनी है। और संजय दत्त का ऐसा रोल मतलब काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा सा एक्शन से भरपूर होगा। तो ऑब्वियसली बात है, मूवी तो खतरनाक होने वाली है। बाकी इसका ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर कैसा है। ओ भाई, फौज तो बहुत सही दिखा दी भाई। ओ भाई, मराठा भारत भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है। अरे बाजीराव के थोड़े से सीन ले रखे हूँ। मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्ताने के साथ लौटते हैं। मेरे जीवन में तुम ही हो और तुम ही रहोगे। शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं। मराठों के खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहां अपना अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1,00,000 की फौज लेकर आ रहा है। कोई बात नहीं, जब वो यहाँ आया था तो यमुना का पानी 7 दिन तक लाल था। मोर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, नहीं मिलता। वाह, खतरनाक वाला हमें उसे रोकना होगा। एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका। वो एक नाक की फौज लेकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? हम मराठों का सफाया कर देंगे तो फिर हमारे बंधु के आप। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। यहाँ पर रणवीर सिंह लगता भाई हाथों के पास बैठा हुआ ना भाई, ये भी 4 दिसंबर को आ रही है। मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पर चलूंगी, सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती पर वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। खत्म नहीं हुए हैं। अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं है, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की रणभूमि है। महादेव, तू छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूँ। भाई ऑब्वियस बात है, हिंदुस्तानी है तो भाई हो, बाकी ये पानीपत की लड़ाई जो हुई थी उसी के उसे रिलेटेड मूवी बनाई जा रही है कि जब अहमद अब्दाली ने आक्रमण किया था तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी। उस टाइम मराठाओं का ये मालूम, मराठाओं ने पूरे इंडिया पे सब कुछ मराठा लोग ही थे और नाना करते हुए भी किसी मुगल साम्राज्य कोई वो नहीं थी, क्योंकि जो बाजीराव पेशवा ने जो नींव रखी थी उसी को वो फॉलो कर रहे थे, उसके चचेरे भाई उसी को आगे बढ़ा रहे थे। और मराठा का मतलब तगड़ा इसमें वो दिखाया हुआ, मतलब उन्होंने कैसे उसको रोका, क्या मतलब उसको पानीपत में जो लड़ाई हुई है उनकी मेन वो वहीं पे मतलब उनको रोका था। और मराठाओं का देखो एक ही चीज मकसद था कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करना,
जो पहले भी करते आए थे और आज भी अगर वो हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें हिंदू साम्राज्य चाहिए, हिंदू साम्राज्य के अलावा बात ही नहीं करते। और पानीपत की जो लड़ाई थी वो पहले भी और बाद में भी काफ़ी हिट रही है, और उसमें एक चीज़ रही है कि तुम देखोगे तो चाहे मुगल हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने हर किसी से फाइट करी है, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ दिया हो। जब उसमें एक लाइन बोली गई है कि पिछली बार जब अहमद अब्दाली आया था तो उसने युद्ध हुआ था तो 7 दिन तक यमुना का पानी लाल रंग था। और मतलब जो इनकी जो फाइट हुई थी पानीपत में, मतलब हिस्ट्री का जब भी नाम लिया जाता है तो पानीपत की लड़ाई का नाम आता ही आता है उसमें। पानीपत तो, का एक जो अगर मैं बात करूँ, पानीपत एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसकी वजह से ये मान लो कि उसमें अगर वहाँ से अगर वो जीत जाते तो इंडिया पर उनका कब्जा हो जाता। तो मूवी में जो दिखाया हुआ रोल बहुत ही बढ़िया है, अर्जुन कपूर का भी रोल अच्छा है और संजय दत्त का तो रोल भाई और अच्छा होता ही होता है। संजय दत्त की तो यार बात ही अलग है कि वो यार कि वो मान लो कि एक स्टार जो है तो है भाई, और उनका रोल भी ऐसा ही है बिल्कुल कि अहमद अब्दाली का उन्होंने रोल किया और भाई साहब गंजे वाला लुक भाई दोबारा से अग्निपथ याद आ गई मुझे तो वही वाली गंजा लुक, जिस हिसाब से अग्निपथ में उनका रोल था बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेम। बस ये है इसमें दाढ़ी है, उसमें दाढ़ी नहीं थी तो बहुत ही मतलब अब सही मूवी आने वाली है ये भी। हाँ बस ये तो, खतरनाक मूवी आ रही है। और बाकी देखो है तो इंडिया से रिलेटेड ही, और इसमें बहुत अच्छा डायलॉग बोला था लास्ट में कि तुम एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देना चाहते हो, कहता कि मैं इस जमीन के कतरे के लिए भी अपनी जान दे दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है इस पानीपत का। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है ये सर्विस, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सकेगी सबसे पहले, क्योंकि हम जो भी रिएक्शन करते हैं वीडियो का या जो भी रिव्यू करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज़ को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।